पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी वोटिंग वाले दिन सुबह गुरुद्वारे पहुंचे, फिर मंदिर पहुंचे। चन्नी साहब, क्या आशीर्वाद आप परमात्मा से मांग रहे हैं और आज के दिन पर क्या कहेंगे, कैसा महसूस? अरे, हमने अपनी स्थिति बात पूरी पब्लिक में रख दी है। आज मैं मंदिर गुरुद्वारा साहब आया हूँ, गुरु के आगे, भगवान के आगे अपने आप को रख दिया है। अब जो भगवान करे और पब्लिक करे वही होगा। चरणजीत सिंह चन्नी कह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा कि चाहे वो गुरुद्वारा हो या फिर मंदिर, उन्होंने ऊपर वाले से पंजाब के विकास और तरक्की की दुआ मांगी है, आशीर्वाद मांगा है। और उनका कहना है कि हमने लोगों के सामने, ठीक है चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया से बात कर रहे हैं तो हम उनको समराइज, हम जो उन्होंने कहा उसको मैं समराइज एक बार फिर से कर दूं। उन्होंने कहा है कि चाहे वो गुरुद्वारा हो या फिर मंदिर, परमात्मा के सामने पंजाब के विकास के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। और साथ ही ये भी कहा कि उन्होंने भी और बाकी पार्टियों ने भी जनता के सामने अपनी बात रख दी है, अब निर्णय जनता को करना है। जाहिर सी बात है, आशीर्वाद आज ऊपर वाले का तो चाहिए ही नेताओं को, लेकिन असली आशीर्वाद जनता का चाहिए। क्या आशीर्वाद जनता देगी, किसे देगी, ये 10 मार्च को पता चलेगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, चमकौर साहिब, रोपर। पंजाब ते पंजाबियों दा परछावा, पंजाबी साडियां बावां, एबीपी सांझा। हुण देखो अपने टीवी स्क्रीन ते डाटा प्ले चैनल नंबर 1929 ते। एबीपी सांझा देखण लई अपने केबल ऑपरेटर नूं अज ही संपर्क करो। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।